नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी मीना बेबाग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जो कंपटीशन में अध्ययनरत छात्र हैं और जो आईएएस आईपीएस बैंक पीओस रेलवेज पुलिस कस्टम्स इनकी सब की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी हम इस चैनल के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना चाहेंगे। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक वीडियो हमने जारी करा था दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पराली से बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर के। कल इस बारे में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है और इसमें इस प्रकार का पराली और अन्य प्रकार के वायु प्रदूषण यदि कोई फैलाता पकड़ा जाता है, शिकायत हो जाती है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और अगली जो पेशी होगी उस पर जो है केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है। दिल्ली सरकार ने भी इसके ऊपर ग्रीन दिल्ली ऐप के नाम से एक ऐप जारी कर दिया है केजरीवाल सरकार ने, और इस ऐप का उद्देश्य है कि आप इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जनरल नॉलेज हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रसून जोशी के बारे में आप जानते हैं, एक कवि और गीतकार रहे हैं और ये फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं और पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट, आईटी पेशेवरों के लिए एक अमेरिका ने एक वीज़ा जारी कर रखा था, उस वीज़ा का नाम था H-1B वीज़ा, बी फॉर बॉम्बे। अभी हाल ही में कल ट्रंप सरकार ने घोषणा करी है, प्रस्ताव लाई है कि हम इस वीज़ा को ख़त्म करेंगे। ये वीज़ा जो बेसिकली जो पेशेवर लोग हुआ करते थे उनको लॉटरी सिस्टम के आधार पर वीज़ा दिया जाता था, अब इसका निर्धारण वेतन के आधार पर किया जाएगा। इससे काफ़ी भारतीय लोग भी इससे अफेक्ट होंगे और बड़ी ईजिली वहाँ पर काम करने के लिए जो छोटे मोटे लोग हैं, घरेलू लोग हैं, वो जा नहीं पाएंगे। तो ये एक बड़ा झटका है ट्रंप सरकार की तरफ से। LTC एक कैश वाउचर स्कीम है जिसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार, उपक्रम, सरकारी उपक्रम और निजी कंपनियों के ऊपर भी लागू कर दिया गया है, जिसे 36,000 रुपये पर व्यक्ति पर ईयर का इनकम टैक्स में रिबेट का फायदा जो है सभी को मिलेगा। पहले ये केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों तक थी। सूटेबल बॉय के नाम से एक उपन्यास था विक्रम सेठ द्वारा रचित, इसमें अभी हाल ही में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेट पर मीरा नायर की एक फिल्म है वो इस पर चल रही है और इसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे अभद्र सीन, अश्लील सीन जो हैं बताए गए हैं, जिससे कि परिवार के साथ देख करके और इस फिल्म को देखने में शर्म महसूस होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, विश्वसनीयता और जो सिस्टम की मानदंडता है उसको बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार 1947 के दशक में भी एक वात्स्यायन की फिल्म कामसूत्र बन चुकी है, लेकिन उसके बारे में ये कहा गया था कि उसमें विश्वसनीयता और जो मानदंड और आदर्श थे उनको बना के रखा गया था। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि इस जो मीरा नायर की फिल्म है उसमें भी ऐसे जो दृश्य हैं जो समाज के सामने अश्लीलता प्रस्तुत करते हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से विक्रम सेठ का ये काव्य है गोल्डन गेट, इसको भी पुरस्कार मिल चुका है। एक चादर मैली सी, ये एक राजेंद्र सिंह बेदी का उपन्यास का है, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में कई बार पूछ लिया जाता है, जो मिलाते हैं ए से जेड, जेड से बी, बी से सी, वन से टू, इस तरह से जो मिलाते हैं, तो एक चादर मेलीसी ये एक उपन्यास है और ये इसका रचयिता है राजेंद्र सिंह बेदी। दोस्तों, GDP की काफ़ी चर्चा चलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। एक वर्ष में राष्ट्र के समस्त जो संयंत्र हैं, समस्त प्रकार के जो सिस्टम है हमारा, एक वर्ष विशेष के दौरान जो उत्पाद होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये 3 सेक्टरों से आता है, एक कृषि क्षेत्र होता है, एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, तीसरा सेवा क्षेत्र होता है। हम यहाँ पर ये जानकारी दे रहे हैं कि 56% जो हिस्सा है अभी भारतीय GDP में, भारत की जो GDP है उसमें 56% हिस्सा अभी सेवा क्षेत्र का आ रहा है। देखिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अभी इंडस्ट्री और बाकी क्षेत्र काफ़ी कम हुई है कोरोना के कारण से, तो सेवा क्षेत्र का भार 56%, इतना जनरल नॉलेज याद रखिएगा। वीगन डे, 1 नवंबर से एक वीगन डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शुरू किया जा रहा है और इसमें जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, पौधों से उत्पन्न जो भोजन है उसके सेवन करने की बात इसमें की गई है। वीगन डे इसीलिए मनाया गया है ताकि शाकाहार को बढ़ाया जा सके। वीगन डे, पौधों के ऊपर जो भोजन होगा, पौधों से जो प्राप्त भोजन है उसी को खाया जाएगा। क्लियर। माउंट फ्रेंडशिप, दोस्तों ये मनाली की एक चोटी है, माउंट फ्रेंडशिप याद रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे जनरल नॉलेज की चीज़ें आजकल बहुत आती हैं, बड़ी चीज़ें तो सबको याद रहती हैं, लेकिन माउंट फ्रेंडशिप
हालांकि काफ़ी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 5258 फीट, मनाली की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है मनाली की है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी राजस्थान की एक लड़की है, उसने वहां पर भारत का तिरंगा फहराया है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना था। येलो डस्ट जो चीन से धूल भरी आदियाँ चलती हैं, जो मंगोलिया की तरफ जाती हैं, वो प्रदूषण पैदा करती हैं और वहाँ का जो श्वसन तंत्र है उसको गड़बड़ा देती हैं, तो इसको नाम दिया गया है येलो डस्ट, चीन से मंगोलिया की तरफ जाती है। आहा का खादी, आहा का खादी दोस्तों, ये कपड़ा है और ये कपड़ा मैक्सिको में बनाया जा रहा है, गांधी जी से प्रेरित होकर के, और वहाँ पर एक मार्कोस ब्राउन था, उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के और ये कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, और इस कपड़े का नाम जो रखा गया वो रखा गया आहा का खादी, गांधी जी से प्रेरित है, ध्यान रखना दोस्तों, याद रखिएगा। सोफिया, SOFIA लिख लीजिए दोस्तों, S कैपिटल में है सब, SOFIA। स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इनफ्रारेड एजेंसी, दोबारा से बोल रहा हूं, स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इनफ्रारेड एजेंसी, ये नासा की एजेंसी है। इसने क्या किया है दोस्तों, जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो सूरज की तरफ सतह होती है, उस सतह का नाम होता है क्लेवियस क्रेटर, याद रखिएगा क्लेवियस क्रेटर, जैसे ज्वालामुखी में क्रेटर होता है, ऐसे चंद्रमा का जो हिस्सा सूरज की तरफ है उस हिस्से को कहा जाता है क्लेवियस क्रेटर। इस एजेंसी ने इस भाग में पानी होने का दावा किया है, पानी की खोज की है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इस पानी का प्रयोग जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उनमें जो उनका जो यान होता है उसमें ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण खोज है चंद्रमा को लेकर के। पराली के बारे में आपको बता ही चुके हैं दोस्तों, एक कोंगटॉक पर्वत है, कोंगटॉक पर्वत, बड़े बड़े पर्वतों का नाम तो सुना है, कोंगटॉक पर्वत, ये चाइना में है। अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इतना याद रखिएगा कि ये कोंगटॉक पर्वत है। माचू पिच्चू दोस्तों 15वीं शताब्दी का एक बहुत ही बड़ा पर्वत स्थल है और इस पर पर्यटक जाते हैं, पर्वत है एक तरह से, ये माचू पिच्चू पर्यटक स्थल भी है, पर्वत भी है। इसको कोरोना के कारण से अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था, तो अभी हाल ही में इसको वापस खोल दिया गया है। तो कहाँ पर है दोस्तों ये 15वीं शताब्दी में है और पीरू दक्षिणी अमेरिका में एक कंट्री है, तो वहां पर ये माचू पिच्चू नाम का एक पर्यटक स्थल है, पर्वत है, अपना ज्ञान बढ़ाइए दोस्तों। लीबिया इस समय चर्चा में बना हुआ है क्योंकि फ्रांस से जो किसी प्रकार के उत्पाद होते हैं उनका यहां पर बड़ा जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, फ्रांस का कोई भी प्रोडक्ट है उसका विरोध हो रहा है यहां पर। और लीबिया के बारे में ये विशेष जानकारी है कि 69 लाख आबादी का ये इस्लामिक कंट्री है, यहां पर इस्लामिक कंट्री 69 लाख जो लोग हैं वो इस्लामिक हैं, यानी ज्यादातर हिस्सा जो है इसका इस्लाम धर्म को मानने वाला है। तो लीबिया के बारे में छोटी सी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको जो भी करंट अफेयर्स की जानकारी है, विभिन्न प्रकार की न्यूज़ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो बेसिक जानकारी है वो बड़े सटीक शब्दों में हम आपको बताने का कभी कभी प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, लाइक करके इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें आप बताएं, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उन सबका आह्वान करते हैं कि आप जो है अपना ज्ञान बढ़ा करके और अपनी सफलता का जो परचम है उसको लहराएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।